अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगी आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहम करम से और आप सबकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम बनाए रखे, अल्लाह ताला आप सबके सरों पर आपके बड़ों का साया, आपके छोटों पर आपका साया यूँ ही बना रहे, आमीन सुम्मा आमीन। और व्यूअर्स, क्या हो रहा है, और मौसम बड़ा अच्छा है, बहुत खुनकी वाला मौसम है कराची में। लग रहा है अब लग रहा है कि सर्दियाँ आई हैं, क्योंकि सर्दियाँ तो कराची में इतनी होती नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मज़ेदार हवा चल रही है, सब कुछ है। लेकिन फिर ये बात शुरू करने से पहले यही कहूँगी कि अल्लाह का बस रहम रहे, करम रहे, ख़ासकर उनके ऊपर जो बेचारे बाहर सोते हैं या बाहर जो बेचारे मजदूरी कर रहे होते हैं, दिन रात बाहर ही बैठे होते हैं अपने रोज़ी रिस्क के लिए, अल्लाह उन पर बहुत ज़्यादा करम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी वर्ष, और सुनाएं, धूप वगैरह तो आजकल निकल ही नहीं रही है, मौसम अबर अबर सा हुआ हुआ है। बारिश कहती है हो जाऊंगी, फिर कभी कहती है अभी नहीं हो रही, उसके भी अपने नखरे हैं, नखरे नहीं हैं, अल्लाह ना करे, ये तो सब अल्लाह ताला के उस पर है। और जी सुनाइए, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ मम मम, और मरियम कहती है अम्मी अगर आप, मैंने बोला कि मेरे ऊपर कभी अगर रिएक्शन आया तो यही रिएक्शन आएगा, रिएक्शन वीडियो बनेगी कि भाई आप ना मम मम मम, कोई बोलेगा ये तो हर वक्त मम मम वाली वीडियो बनाती रहती है, ये तो कभी काम नहीं करती है, कभी यूँ नहीं करती है, अपनी बेटी की तारीफ़ करती रहती है, यूँ है फलाना है ना मरियम। तो मैंने कहा भाई रिएक्शन वीडियो आनी है, मुझे भी बड़ा शौक़ है कि मेरे ऊपर भी कोई रिएक्शन आए, कोई वीडियो बने भाई मेरे ऊपर भी तो मैंने कहा क्या बनेगी, बहुत से बहुत ज़्यादातर यही बनेगी कि हाँ भाई ये हर वक्त ये इस तरह से घर की वीडियो, ये अपनी तारीफ़ें, अपनी बच्ची की तारीफ़ें, सब कुछ तारीफ़ उस खुदा की जिसने मेरी बच्ची को बनाया, बेशक। तो बस ये और सुनाएं क्या हो रहा है। और मरियम जो है, ये देखिए मरियम कर रही है अपनी डस्टिंग वगैरह, और अच्छा फ्रेश होकर आई हैं तो उसमें ये इसकी आदत है, ये आके अपनी डस्टिंग वगैरह झाड़ू वगैरह लगा के चली गई थी, बस आके इसने कहा था डस्टिंग वगैरह मैं खुद करूँगी, तो बस अपने सिद्धू पाजी पग बंधा हुआ है इनके सर पर और ये कर रही है डस्टिंग। ये देखिए, तो चले सही है, फिर हम मैं आपसे मिलती हूँ। क्या हुआ, कचरा हो रहा है, टेरिस की झाड़ू नहीं लगाई थी, चलो कोई बात नहीं, लगा दो कोई बात नहीं। तो चले जी, मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, फिर मैं आपसे मिलती रहती हूँ वक्तन फवक्तन, ठीक है। और जब तक मैं करती हूँ चाय इंजॉय, इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। और देखिए लगी हुई थी मेरे यहाँ मैले बर्तन, मतलब सने बर्तनों की भरमार सेल लगी हुई थी, और अब देखें ये देखें सब कुछ साफ़ सुथरा, ये देखिए मैं यहाँ तक का दिखा दूँ, कभी आप बोले हैं तो सिंक नहीं दिखा रही है, देखें सारे बर्तन हो चुके हैं क्लियर और बर्तन धुल गए हैं, माशाल्लाह साफ़ सुथरा किचन हो गया है। तो मरियम का यही होता है कि हाथ नहीं, क्योंकि हाथ नहीं लगे जब तक बर्तन नहीं लगे, और अगर लग गए, क्योंकि इनके बाबा भी जितनी जो बात है, इनके बाबा हम लोगों का बहुत साथ देते हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत ज़्यादा साथ देते हैं वो हम लोगों का। तो और ये भी मुझे बताइएगा कौन कौन है जो अपने घर में अपनी लेडीज़ का साथ देता है तो कामों में, क्योंकि ये तो माशाल्लाह भाई, मैं तो इस चीज़ को वो नहीं करती कि मेरे शौहर कुछ नहीं करते, अल्लाह का शुक्र है मेरे शौहर मेरा बहुत साथ देते हैं, और अब आज से नहीं इस चीज़ में घर के कामों में बहुत साथ देते हैं शुरू से, अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह ताला ने, मैं यही बोलती हूँ मैं इस मामले में बड़ी खुश नसीब हूँ, अपने शौहर के मामले में बड़ी खुश नसीब हूँ। देखें रोज़ी रिस्क सब अल्लाह ताला देने वाला है, और इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरा हर चीज़ में बहुत साथ देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बस, और अभी जो है फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में मिलते हैं, और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, वक्तन फवक्तन मैं आपसे मिलती रहूँगी, ठीक है। चलें जी अपने थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए माशाल्लाह, ये क्या हो रहा है मरियम, ये क्या, हाँ टी टाइम हो रहा है भाई इन लोगों का, और वो भी टी टाइम भी हो रहा है, देखें ये मैंने इन लोगों को सादे पराठे बना के दिए हैं, ये इससे टी टाइम हो रहा है इन लोगों का, क्योंकि इनके बाबा भी जा रहे हैं, इनको शौक़ है तंदूर की रोटी तल के खाने का, ये करने वो करने का, और अभी इन लोगों के लिए बस हमें ना टी टाइम, मरियम ने जो है नाश्ता नहीं किया हुआ था तो उसने बोला कि चले अम्मी बाबा भी हैं तो अब दोनों हम लोग बैठ के हम टी टाइम ही कर लें।
और यहाँ में बेचारी इनकी अम्मा जो माशाल्लाह इन लोगों को जो है टी टाइम करा के जो यहाँ बैठी हुई हैं, और माशाल्लाह अब तो वैसे भी थोड़ी देर के अंदर ही असर मगरिब दोनों का ही टाइम हो जाएगा। तो बस ये है, वही मैं कह रही हूँ असर मगरिब दोनों का ही टाइम हो जाएगा, तो बस ये है और होने ही वाला है। हो गया असर, हो गया। चले चले आप खुश हो जाएं, तो बस ये है। और मौसम तो माशाल्लाह से देखें ऐसे ही तकरीबन हो रहा है सुबह से कि बड़ा प्यारा। आज मौसम के बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं हुई, हाँ जो चीज़ अच्छी होती है उसके बारे में दिल चाहता है बार बार बात करो, चाहे इंसान हो या मौसम हो, और इंसान भी मौसमों की तरह ही होता है, कभी बदल जाता है। तो बस ये मेरे बगैर मैं ये समझ गए होंगे सब लोग। मैं थोड़ा सा देखें ये आटा कल वाला जो था ये रखा हुआ है अभी, और ये थोड़ा सा मैंने और भून के रख दिया है। अभी तक तो मुझे ये पता है कि मुझे रोटियां बनानी है, बल्कि मुझे नहीं मरियम रोटियां तो मरियम बना लेगी, और अभी मुझे ये नहीं पता कि मुझे सालन में क्या बनाना है। देखते हैं कि सालन में क्या बना, क्या बनाया आज देखें क्या बनाते हैं आज सालन में। लेकिन अभी ये तो है कि हाँ भाई आज बनना सालन ही है। मरियम जो है रोटी बनाने चली गई है, और मेरा कहाँ रखा हुआ है देखती हूँ, तो बस वो रोटी बना रही है और मैं देख रही हूँ उसने पता नहीं कहाँ क्या चीज़ कपड़ा क्या कह रही है रखा है। अरे भाई अरे भाई अरे भाई भाई कहाँ गिर रहे हो, इस हाथ से तो जोर भी नहीं लगाया जाएगा। अल्लाह तकलीफ़ हो गई मेरे, ओफ मरिया मेरे हाथ में दर्द हो गया यार। पास सुने मेरा हाथ ज़रा से लाइएगा, वो अलमारी है मैंने ऊंचा ऊंचा करके हाथ कर लिया, ऊपर से लाइएगा ज़रा हाथ को। नहीं है यहाँ पे यार, और मरियम क्या रोटी बना रही है। मरियम पहले मरियम उबाले आटे की बना लेना, पहले बना के रखती हो। चलो सही है, उबाले आटे की बना लेना, पहले उबाला आटा फ्रिज में रखा हुआ था ना जी। मरियम बना रही है रोटी, और फिर हाँ फिर इस आटे की मरियम। चलो सही है, अभी तक के नहीं सोचा कि खाने में बनाना क्या है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है, गैस जाने में भी काफ़ी टाइम है, और अभी मैं बस सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, कुछ ऐसी चीज़ बना लूँगी जल्दी ही बन जाए। और देखें शाम से सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। मरियम तुम बना दो यार, वो बना दो बोली बता दो यार फाइनली क्या बनाए। इसके एक्शन देखें जी, कैरी अम्मा भेजा फ्राई, वो तो मैं बनाती रहती हूँ, वो तो मैं करती रहती हूँ भेजा फ्राई। बताओ ना क्या बनाऊं, मुझे क्या पता। बात सुने आप बताएं भाई मुझे कुछ। हाँ वो मरियम कह रही है उनका तो बस एक ही यही होगा, दाल चावल बना लो। खैर इस वक्त तो ना चावल बन सकते हैं ना दाल बन सकते हैं। सही है, दाल तो बिल्कुल ही नहीं बन सकती क्योंकि मुझे तो खैर बिल्कुल भी खड़ी खड़ी दाल और रेडीमेड दालें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो खूब अच्छी पके हैं सब कुछ हो तो ही अच्छा लगता है। बताएं मुझे खोगिना बना लूँ, सही है ना। बस चले अंडे का खोगिना बना लेंगे, चले भाई डिसाइड हो गया अंडे का खोगिना बनेगा। सही है मरियम, रोटियाँ बना लो, सही है, और खोगिना बना लूँगी अंडे का। हाँ क्यों, मैं बना लूँगी ना, कोई मसला नहीं है। चलें जी डिसाइड हो गया, और तो बासो तुम खुद से कुछ कर लेना भाई, मैं खोगिना बना लेती हूँ, बस छोड़ो यार। चले बस ये कि ना खोगिना बन जाएगा तो हम लोग सभी मिलके शौक से खा लेंगे, डिसाइड हो गया। मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। ये साहब जो है मुस्तकिल लगे हुए हैं उसमें, साहब जी अल्लाह ये कर किस तरह रहे हैं, आपकी वीडियो बन गई, आपकी क्या वीडियो बनी अभी आपको दिखाती हूँ।
इतने मजे की वीडियो बनी है और ये मैं डिलीट नहीं करूंगी, सीरियसली मैं डिलीट थोड़ी करूंगी आपकी वीडियो डालूंगी। आज तो ये एंटिक चीज लगी है मेरे हाथ, तो आप लोग भी देखिएगा इनको वीडियो में। चलिए मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, इंशाल्लाह मैं छोटे छोटे से क्लिप्स वगैरह डाला करूँगी अब इनके अचानक वाले ना, तो आप लोग भी देखिएगा कि इस फैमिली में सिर्फ मैं ही शरारती नहीं हूँ, मैं ही नोटी नोटी नहीं हूँ, और भी बहुत से लोग बड़ी बड़ी नोटी नोटी हरकतें करते हैं। गई है रोटी, मरियम ने बना ली है रोटियाँ, और मरियम जो है वो दोपहर तक की रोटियाँ बना लेती है, ताकि ये होता है कि हमें तो खैर बासी ताजी का कोई इशू नहीं होता, माशाल्लाह हम लोग बासी रोटी भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल मरियम हमारा आधा ख़ानदान बासी रोटियों का शौकीन नहीं है क्यों, तो बस ये देखें ज़रा माशाल्लाह से मैडम को और इनके वालिद को देखें, आज इन्होंने बेड संभाला हुआ है मरियम का। मरियम बाबा ने आज तुम्हारे बेड पर कब्ज़ा किया हुआ है। हाँ हाँ कह रही 10 मिनट की बात है बस मैं आ रही हूँ। तो ये देखिए मरियम के बेड पर इन्होंने किया हुआ कब्ज़ा, और लाइट जला लूँ क्या, जला देती हूँ जला देती हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ इस रूम में, मैं तो बैठी हुई थी ये अपने देखें लाउंज में अपने सोफ़े पर, और वहाँ बैठी हुई मैं वीडियो देख रही थी। अब मैं वीडियो देख रही थी, अच्छा रिएक्शन वीडियो देख रही थी मैं उनका, और ना बड़े अच्छे अच्छे जैसे सब थे सब, तो उस पर मैं कमेंट्स वगैरह जो हैं वो भी कर रही थी, सब लाइक वगैरह सब कर रही थी, शेयर कर रही थी। तो बस ये है, अच्छा मुझे अपने पर्सनली जो है ना, मुझे आलिया बहुत पसंद है, मुझे आलिया बहुत पसंद है जो रिएक्शन वीडियोस बनाती हैं, पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो एक होता है ना अपना अपना कि भाई कौन सा आपको अच्छी लगती है, तो मुझे आलिया बड़ी अच्छी लगती हैं। तो और व्लॉगर्स में तो मुझे सारी मैं कहती हूँ ना, मुझे तो सारे बड़े अच्छे लगते हैं, उन्हीं से तो समझो मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि जो मैं आज ये व्लॉग बना रही हूँ, तो मतलब बड़ा अच्छा लगता था, मैंने कहा चलो हम भी बनाएं, तो बस उन्हीं को देख देख कर मुझे भी शौक चढ़ गया कि चलो फिर बनाते हैं। मरियम बुला रही है आपको, तो मरियम बुला रही है अपने बाबा को, क्या करना से बाबा का, क्या करना है बाबा का, अच्छा 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 वही जो कल ये मेरे हाथ धुला रहे थे बेचारे, आज इसके हाथ धुला रहे हैं। यार पानी का बोलकर तो आ जाएं आप, के पानी वगैरह चढ़ा तो दें, तो पानी का थोड़ा सा क्या यार, बहुत ही इशू चल रहा है, पानी आता है और बस वही खींचने वाली मोटर नहीं लगी हुई है, तो बस इसका ही मसला है, तो बस खैर वही मसले हल ही हो जाते हैं कभी ना कभी। तो ये गेट मैंने बंद किया हुआ था, गेट मैंने इसलिए बंद किया हुआ था अपने टेरिस का, बात सुने तोते ढक दें, तोते ढक दें ताकि ये कि हवा चल रही होगी ना, तो क्या कहते हैं सर कौन ढकने जा रहा है, क्या हो गया तुम क्यों जा रही हो, मैं बाबा से बोल रही हूँ तोते ही ढकने, शेर को थोड़ी बहुत अच्छे, हाँ लाइट जला रहा हूँ ढके, मैं फिर बाबा ने ढक दिया होंगे सही है सही है। तो इनके बाबा ने पहले ही ये काम कर दिया था, खैर पड़ी है तो खैर जिम्मेदारी ने, क्या हो गया मरियम, अपने होने के एहसास दिलाते रहना चाहिए, तुम्हारे होने का एहसास वैसे ही रहता है उल्टी सीधी हरकतों से, तो बस ये है। तो बस और प्रोग्राम कुछ बन रहा था, मैंने कहा था कि खोगिना बनाएंगे, और अच्छा प्रोग्राम बन गया ये मटर आलू बनाएंगे, हम लोग तो वैसे आलूओं की रानी है ना, हम लोग तो काफ़ी मतलब हमारे ऐसे हैं जो आलू की रानी हैं, और आलू की रानी हैं मरियम की नानी हैं, और हम उनकी आलू की शहजादियाँ हैं। हाँ यार कुछ नहीं होता तो बस आलू ही बना लो, कुछ नहीं है तो आलू बना लो, आज दिल चाह रहा है कि मटर आलू बना लूँ, तो मैं तो खैर फटाफट हम लोग मैं और मरियम छीलने बैठेंगे, और मैं चढ़ा दूंगी, चढ़ा के और छोड़ दूंगी, और बन जाएगा मटर आलू। सालन बनाना मुझे इंतहाई आसान लगता है, कपड़े धोना मुझे इंतहाई आसान लगता है, तो बस ये कि थोड़े से अपने ये कंधे से मजबूर हो गई, और थोड़ा सा कुछ अपने ये जॉइंट्स वगैरह की वजह से
पता नहीं क्योंकि तुम्हें क्या हो गया, क्या उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो। गुस्सा आ रहा है, अब यही कर लेंगे, अब बस इनको यही आता है, एक लगाऊंगी आके बस। ये देखें मरियम, ये देखें आप कहीं जा रहे हैं? आ रहे ये जब भी कैप लगाते कहती आप कहीं जा रहे, मरिया कहती अम्मा आपने चढ़वा लिए। मैंने कहा क्या करूं उनको, अच्छा अल्लाह हाफिज। क्या लेने जा रहे भाई? तोते लेने जा रहे। अच्छा अच्छा, हमारी एक जानने वाली थी, उनकी जो मतलब जानने वाले हैं और उनके उनकी एक बेटी है ना, तो हम लोग ना उनके घर हम गए जानने वाले तो उनकी बेटी है ना, तो हमने बोला कि अच्छा कोई थे उनके आए हुए थे, हमने बोला बेटा वो कहाँ है अंकल, तो कह रही वो पोते देख रहे हैं। अच्छा मरियम ने बोला पोते देख रहे हैं, मरियम कह रही है कि उनके पोते भी आए होंगे अम्मी शायद ना साथ में, तो ये भी छोटी थी कह रही शायद उनके पोते होंगे। अब हम बाहर गए ना, नहीं फिर हमने बोला पोते कह रही पोते नहीं पोते पोते, तो अब हम लोग बोले अच्छा अच्छा बाहर जाके देखा ना, तो हमने बोला क्या कर रहे हैं भाई, तो कह रहे हैं मैं पौधे देख रहा हूँ, तो वो बोल रही पौधे और उसकी जबान से बिचारी के निकल रहा पोते 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 देख रहे हैं। फिर ना फिर वो बैठी हुई थी, छोटे छोटे से टॉप्स पहनी हुई थी, मरियम ने बोला तुम्हारे टॉप्स तो बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो कह रही है कहना कितने की, मैंने कहा कितने के लिए, तो कहने की कहना है ये अम्मी लाइन थी ना वहाँ से ना अपना हफ्ता बाजार से पीस पीस के। मैंने कहा पीस पीस के, मैंने कहा ये पीस पीस के लाती तो ये तो मतलब ये कि ना अगर पीस पीस के लाती तो ये तो कब के टूट फूट जाते, तो तो मैंने बोला कितने के लाई, कह रही पीस पीस के, तो फिर मैंने बोला फिर उनसे पूछा मैंने कहा भाभी आप कितने की लाई, कह रही ये 20-20 की जोड़ी मिल रही थी, मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो फिर हमें समझ में आया कि वो 20-20 कहना चाह रही थी और उसकी ज़बान से निकल रहा था पीस पीस के, तो वो पोते और पीस पीस के अक्सर मुझे याद आते हैं, तो मेरी बड़ी भाई मुझे हंसी बड़ी आती है उसकी बात सोच के, बड़ी क्यूट सी बहुत अच्छी सी बच्ची आती वो, अब काफ़ी टाइम हो गया हम मिले नहीं हैं उनसे, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आप क्या कहते हैं? हम क्या कहें भाई, जब तुम कह रही हो ना सलाम ना दुआ काट दो फिर उसको। नहीं चले आप कर ले, आप कर ले सलाम, चले अब मिल ले आप अस्सलामुअलैकुम। ये देखें फौरन तो भी वो क्या हाल है आपका भाई, बस ठीक है ना, वो तो ये ना बेटा काय का बोलेंगे, ऐसी बोलेंगे बिला बोलेंगे, बोलोगी नहीं बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, नहीं हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, बोलेगा जरूर बोलेगा, बस बैठे मैं अभी माशाल्लाह, चलो सर्दी शुरू हो गई, हमने कहा थोड़ा सा हम भी पहन ले, हमने कहा हवा ना लगे ज्यादा, जमाने की तो लग चुकी है जमाने की, हाँ अब ये मौसम की ना लगे, फिर डॉक्टर का खर्चा करना पड़ेगा भाई। देखो मौसम की हवा बेशक लग जाए लेकिन जमाने की ना लगे, नहीं और जमाने को भी हम क्यों बुरा बोले, जमाना भी बहुत अच्छा है भाई, हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो मौसम जमाने के देखें, मौसम हजार नहीं कुछ जी जी, देखें ये देखें मैं सही कर देती हूँ, जमाने के देखे हैं रंग हजार नहीं कुछ सिवा प्यार के, प्यार 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 ही है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हमारी फैमिली में बड़ा प्यार, हंसने चलते रहेंगे हम रास्ते में चलते रहेंगे सही, लेकिन ये है कि माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है भाई हमारी फैमिली बड़ी हंसमुख फैमिली है बहुत अच्छे, और ये नहीं है कि हमारे घर में, नहीं 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 हमारे घर में मरियम अब ये भी नहीं है, बात सुने आप बताएं क्या क्या मतलब ऐसा कुछ गुस्सा या रिएक्शन नहीं होता, होता भी है लेकिन ये कि ना हर वक्त का नहीं है, लिमिट में हाँ
और कह दिया सुन लिया खत्म कर दिया, ये नहीं है एक उस कोने में बैठा हुआ है किस कोने में बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज किस बात सुने, ये चीज आज तक किसने नहीं होने दी इस घर में, किसने नहीं होने दी, पड़ोस से तो आएगा नहीं बोलने की। नहीं ये चीज घर में ये चीजें नाचाकियां किसने नहीं होने दी, ये मिला वाले की बातें करती रहती है यार, ये हवा पहले बुझवाने बैठी है हमारे। मैंने बाबूजी बाबूजी मैंने मैं बहुत सारा डाल दिया मैं तो। अच्छा बताओ मरियम बिल्कुल चलो भाई भाई मैं तो कह रही हूँ कोई मैं तो क्रेडिट ले ही नहीं रही, सारा क्रेडिट जाता है। नहीं बात सुन, सारा क्रेडिट मैं इनको देती हूँ इसलिए कि हमें पता है कि हम इनसे बात करेंगे, हम इनसे बात करेंगे होना कख कुछ नहीं है, लड़ाई लड़ाई है मजीद बढ़नी है। आप क्या समझ रहे हैं मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, तारीफ और तुम ओहो तारीफ भाई तारीफ उस खुदा भाई तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात को बनाया भाई, अल्लाह का शुक्र है सब चीजें। और अल्लाह का ये भी लाख लाख करम है, देखो अल्लाह ताला भी ना जोड़े जो है वो देखकर बनाता है, और इसलिए नहीं सही बात है देखिए अल्लाह पाक ने जोड़े बनाए सीधी बात है देख भाई अल्लाह पाक मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग साथ अच्छे से रह सकते हैं भाई, ऐसी बातें नहीं करते नहीं मुझे जोड़े अल्लाह पाक ने बनाए आप तो एक बात जानते हैं बस, जब कोई ऐसी बात नहीं तो मैं अच्छी बातें कर रही थी कि अल्लाह ताला भी देखें देखकर। अब मैं हूं फिर वही तुम शुरू हो गए अरे भाई मैं अल्लाह ताला की तारीफ कर रही हूं, मैं अल्लाह ताला अच्छा मरियम मैं अल्लाह ताला की तारीफ कर रही हूं ना इसमें कि माशाल्लाह अल्लाह ताला क्या बनाता है भाई देख मैं अल्लाह तुम कंट्रोल कहां बैठा हूं किससे बात कर रहा हूं क्या इंटरव्यू दे रहा हूं क्या अच्छा आज हम लेंगे एक शख्सियत का इंटरव्यू, चले आज इंटरव्यू खेलते हैं या फिर कल वाले में खेलें, चले हाँ ठीक है आप मेरी ठीक है आप या फिर आप मेरी वीडियो देखिएगा कल की वीडियो होने वाली बड़ी जबरदस्त और उसमें आपको कुछ मिलेगा नया देखने को, ठीक है तो मैं तो यही बोलूंगी कल कुछ नया मिलेगा, इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए और मैं मिलती रहूंगी आपसे। अरे बोले अपना निकालो लसन रख जाओ चले जी व्यूअर्स, अब मैंने सोचा कि सालन की कर ले हम तैयारी तो हम सालन अगर लहसुन अदरक की बोतल छोड़ जाती है तुम्हारा सर तोड़ देती है, ये मेरा हाथ तोड़ देती है, हाँ हाथ भी तोड़ देती सर भी तोड़ देती जी, एक बोतल के खातिर अपनी बच्ची की जान ले, हाँ नहीं मुझे ना अपने बच्ची अभी क्या बोलूं, नहीं अम्मा तुम बोलो अब तो इनको अपनी बच्ची की जान से ज्यादा अजीज इनको ये लहसुन अदरक की बोतल है, हाँ ये बात नहीं है अभी मैं साथ के साथ जो है ना कैरेट भी खाती जा रही हूँ, देखिए गाजर बाद हम जो है खरगोश बने हुए तो बात घुमाई नहीं है, हाँ तो अच्छा मुझे खाया गया सारा निकाल के तुझे फटाफट बैठा हुआ, हाँ खा मैं कहा खड़ा गया मसाला तो कह रही बैठा हुआ तू खड़े जीरा भी डाले ना, हाँ अरे भाई दे दो सभी कुछ डलेगा क्या हो गया, और लहसुन अदरक का ध्यान रखना भी कम रह गया मुझे और पीसना है याद रखना मंगाने बता, मेरे हाथ से बहुत पिटने वाली है और आपका भला करे हाँ दो बड़े हैं
ये टमाटर तो देखिए जरा, ऐसा लग रहा है जैसे अमरूद नाशपाती, क्या क्या चीजें, क्या कौन कौन से बीज डल रहे हैं। बाबा को तो पता है, जो जो हाथ में दे दे बाबा वो बेचारे ले आते हैं सामान। हाँ इनके बाबा की याद आते हैं, इनको जो जो चीज पकड़ा दे वो ले आते हैं। मंगवाने? हाँ मंगवाने? क्या मंगवाने? अच्छा अभी व्हाट्सएप बोल रही हो, ऐसी होती है ना ये अम्मा पसंद से वैसा ऐसे ही ऐसे ही। हाँ को आज मुझे मरियम क्यों इतनी अच्छी आ रही है, मुझे कौन याद कर रहा है? हाँ मुझे सभी शिद्दत से याद करते हैं, सबकी यादों में मैं ही तो रहती हूँ, और बहुत सबकी बातों में मैं ही रहती हूँ। कौन सी याद? मैं तो याद ही बन के रह गई हूँ, याद याद याद, मैं तो यादें बनकर रह गई हूँ और यादें मार रही है अजाब। अम्मी चार गाजर के ऊपर पानी पी सकते जब तुम अपनी बदतमीजी के ऊपर पिट सकती हो तो गाजर के ऊपर पानी। मरियम गुदूरी नहीं करा कर मुझे, अच्छा बदतमीजी नहीं करो, तो मैंने कौन सा मेडिकल पढ़ा हुआ भाई। नहीं गाजर के ऊपर पानी नहीं पीना, गला वैसे खराब चल रहा है आजकल। हाँ अभी नहीं पियो, थोड़ी देर में पी लेना, अपनी जिम्मेदार खुद। आज वैसे नहा के ना पता क्या कर रहा है, पानी गर्म करवाया है बस, अपने ठंडे पानी से नहाती है ना माशाल्लाह, बहुत टाड़दन है ना टाड़दन। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सभी अल्हम्दुलिल्लाह। लो मैंने बातें करते करते मसाला भी डाल दिया और ना प्याज भी डाली। भैया जब तू खड़ी होती है ना पता है मेरे पास शैतानी बाहर है। चलो हमें तो वैसे भी इसको बहुत अच्छे से बहुत देर तक भूनना है, जब तक कि हमारी मटर छिलेगी तब तक कि हम अपना ये मसाला जो है ना खूब अच्छा पक जाएगा हमारा। अभी थोड़ी देर के बाद फिर पानी से भी फिर इसको भूनना है। मुझे ज़रा बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कौन सा यकीन आ रहा है कि तुम सो रही हो, तुम्हें सोना है अभी, अभी सो ही ना जाओ। मैं नहीं कह सकती अब खानदानी बीमारी है क्या है, और जब जिसको नींद आती है वो उसी वक्त सो जाता है। मैं तो अपने खानदान में ननियाल में तो मैंने यही देखा, हर कोई जागता है बिना वजह जागेंगे के, लेकिन जागेंगे जरूर है ना अम्मा। खैर अब तो अक्सरियत मैंने देखा है कि सो जाते हैं सब जगह, बस सभी जगह ये होता है अब दर बात है कि जैसा जैसा टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की रूटीन चेंज होती जा रही है। अब दर बात है सब अपनी रूटीन चेंज कर रहे हैं। अब वो कहाँ, अब दर पहले ये होता था कि सब लोग भाई आना जाना लगा हुआ है लोगों का, रहने आ रहे हैं रुकने आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये होता था कि हाँ नींदें नहीं इतना होती थी, क्योंकि दर बात है इंसान लोगों को टाइम भी देता है, जो कोई उनके घर में आता है तो उन्हें टाइम भी दिया जाता है ना। अब ये थोड़ी है कि दरवाजे पट करे वो पड़ गए, तो लाजमी सी बात है कि सब एक दूसरे को टाइम देते थे। और अब तो ज़्यादा इतना आना जाना नहीं, सब अपनी अपनी मसरूफियात की ज़िंदगी में मसरूफियातों में अपने वो हो गए, तो अब ये है कि अब ना वो लोग अब रहवा के मसरूफ हो गए, मसरूफियात की ज़िंदगी में लग गए हैं, मशीनी ज़िंदगी हो गई है भाई। बोलो अच्छा आपसे मिलने आए और आप किचन में खड़ी हुई है, ये तो सही नहीं है ना। आपसे तो मैं फुर्सत नहीं मिलती हूँ ना, चले जरा आपको फिर मैं सीधा बन जाऊंगी अभी मिनट में, चुप हो जाओ। गेम ओवर, गेम ओवर। तो बस ये मसाला हमारा हो रहा है तैयार,
थोड़ी सी प्याज डालू, थोड़ा थोड़ा घी, आँच तेज कर लू, प्याज जाएगी। थोड़ा थोड़ा प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, आँच होगी तेज तो चल जाएंगे सभी। हम लोग कितने शैतान लोग हैं कि हम बिस्मिल्लाह करके खाना बना रहे हैं, वहीं तालियां पीट रहे हैं, अल्लाह तौबा अल्लाह क्या, मुझे माफ करना मेरे मालिक, मेरे रिस्क में बरकत डालना, मेरे रिस्क को कुशादा करना, और मेरी जो ये शैतानियां तभी आई थी अल्लाह ताला उस चीज को माफ कर देना। अम्मी सरमेंट पट्टा और जल्दी सरमेंट पट्टा सुनो, मुझे मुझे ना डबल शख्सियत बनाने का कोई शौक नहीं है। चलो हटो बिल्कुल, इस्लाम के बारे में जो है ना आप ये नहीं करा करें। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अच्छा जो भी कुछ करना है ना वहाँ बाहर जाके करो। चलो हमारी ना इधर बता, लेकर तू आई थी, हमारी बेइज्जती कराने आई थी, नहीं इसलिए आई थी, है इसलिए आई थी तुम मेरे को यहाँ पे, हमारी खूबसूरती से बर्दाश्त नहीं। वैसे यहाँ पे महंगाई इतनी है, खूबसूरत आदमी कभी देखा नहीं है यार। देखा नहीं है अल्लाह सबके जाओ अल्लाह, मुझे चारों में बैठा लग जाएगी। तभी चारों को चला लगा दिया। जैसे ये प्याज का पानी खुश्क होता है तो फिर हम अपने टमाटर जो है मैंने और में उगाए, मैंने इसमें दरमियानी प्याज, पांच प्याजें जो हैं वो पीस कर डाली हैं इसके अंदर। आपने देखा भैया ये आलू मटर मेरा, तो बस मैं क्वांटिटी उससे बढ़ाती रहती हूँ, घटाती रहती हूँ, अपने उससे बनाती रहती हूँ। मसाला ज़्यादा बनाना होता तो ज़्यादा बना लेती हूँ। चलिए जी यहाँ पे हो रहा है मसाला तैयार। मरियम जल्दी से आओ, इसको ये सब हटाओ, ये बस तेल में रखे रहने देना, हो सकता मुझे जरूरत पड़ जाए दोबारा। ये मरियम कुछ कह रही है आपसे ना, क्या कह रही है? मेरे कान में आप में आवाज ही नहीं, क्या बोल रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं कुछ तो बोला है, नहीं मेरे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोला भाई, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोला। इतनी बड़ी गांड है, काट के खा ले। बर्गर खाने में इतना बड़ा मुंह खुल जाता है, बाहर तो बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खुल जाता है, घर में चलो अब चलो होगी क्लास दोनों की। कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? भाग रहे हम, कहाँ भागे हम, हमें कोई शौक है भाग, कोई भाग रहे नहीं, भाग को नहीं बस बस बैठे फिर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो चढ़ते हैं नहीं ना। गाजर बहुत मजे की खाओ, गाजर खाओ, हमेशा खाओ है ना भाई, कोई बात तो है जो तुम लोग। अरे मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या बोला मैंने भाई, इतना गौर नहीं किया इसकी बातों पे, मैंने गौर नहीं किया है बिला वजह में। तुम कुछ तो है कुछ तो है दया, दया कुछ तो गड़बड़ है दया, दया गया दया कहाँ गया। हेलो ये देखिए, हेलो दया भाभी बन गई फोन। चले जी मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, मैं तो आपको अपनी साथ इसी तरह से बांध के रखती हूँ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बांध के ले दीजिए मुझे, ये बांध के रखती है। हाँ की भी डरने का जमाना क्या जी भी, बस देखिए मटर छिल्ले हैं, हम तीन मैंने भी सबको काम पे लगाया है, लगाया है मेहनत में अजमत है, मेहनत में अजमत है, मेहनत में अजमत है, आज बचाइए कल काम आएगा, अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने मुल्क के लिए। तो टाइम भी इतना नहीं है ना, मैंने वहाँ मसाला चढ़ाया हुआ, इतने मसाला बुन रहे तो बस मैं जाके फटाफट मटर डाल दूंगी, मटर डाल के मसाले को कस दूंगी, जाए आलू वगैरह सब डाल दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल
आलू भी माशाल्लाह से मेरे हो गए हैं और मटर भी पोटैटो इनफ होने वाली है। पोटैटो बस कर दें तो बस। हाँ चलो बस चलें, फिर आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, फिर हम मिलते हैं। घर में हाथ घर में मटर छिलते रहिए सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें थोड़ा सा दिखाओ हमारा मसाला कितना ज़बरदस्त भुन रहा है। तो फटा फटा मसाला ये इसकी नहीं इसकी पहचान होती है कि मसाला अच्छा भुना है। सही है ना। फिर मैं वही बोलूँगी पुराने लोग यही बोलते थे मसाला भुनने की निशानी ये होती है कि अच्छा फटा फटा मसाला जब तैयार होने लगता है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी मटर ताकि मटर इसमें गलेंगे। थोड़े इसको चला दूंगी मैं, कस दूंगी। मरियम के हाथों पर भी छींटे जा रही हैं, मेरे भी हाथों पे। अब मैं इसको खूब अच्छे से इसको चला दूंगी खूब अच्छे तरीके से। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि ये हमारी मटर जो है वो गल जाएगी। फिर इसके बाद जो है मैं 15-20 मिनट के बाद आलू डाल दूंगी ताकि जो कसर रह जाएगी वो आलू के साथ पूरी हो जाएगी। तो माशाल्लाह से हमारा मटर आलू तैयार जायकेदार। और मटर हुई भी है बड़ी बड़ी औखी हुई है, बहुत महंगी हो गई है। लेकिन ये कि बस कभी कभी दिल करता है तो फिर ज़रा फिर महंगाई और सस्ताई कभी कभी नहीं देखी जाती, वैसे तो फिर अमूमन देखी जाती है मुझे। अब मैं बहुत देखने लगी हूँ। चले जी बन रही है साहब जी की। अच्छा जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हैं अम्मी आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। आप सुनाइए। आप ठीक सुनाइए। मैं तो बस ऐसे ही बस। आप कैमरा गंदा हो रहा है। मेरा गंदा हो गया था। कोई मसला नहीं, साफ हो गया ना। धो के ले आऊं? नहीं शराब से ये बता दो। नहीं धो के ले आओ, बिल्कुल 0 मीटर हो जाएगा लाइफ टाइम। ये है वो औरत जो मटर आलू बना रही है, और ये है वो लोग जो खाएंगे जब तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है मैं तो बना के ना खुद ही सारे मैंने खाने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो कुछ खाना ही नहीं है। अरे भाई मैं दिखा चुकी हूँ, बस इसको गलने रख रही हूँ। हल्का पानी का छींटा दिया, आधा पौना कप पानी डाला है उसके अंदर। ये मटर पौना कप रुपए में बाहर आने बस हमारे जमाने में तो ना रुपए थे ना बाहर आने। क्यों हम 2005 की पैदाइश है? कहाँ से आया? जमाना मेरा तो जमाना वही होगा जब उस वक्त में है जब चांद तारों के सिक्के नहीं होते थे, किसी की 10 पाई किसी की 5 पाई 1 पाई। हाँ और आप तो बल्कि 1 पाई वाले बंदे हैं। मैं तो जब आई हूँ तो माशाल्लाह उस वक्त भी चार आने ठंडी थी। 5 पैसे 10 पैसे थे जब तुम आई हो। मुझे देखो जब मैं आई थी तो पूरा 5 का सिक्का था। मुझे पता है कभी कभी क्या शक होने लगता, मुझे ऐसा लगता मैं इनसे पहले दुनिया में आई हूँ। मुझसे ये 4 साल बड़े नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मैं इनसे 4 साल बड़े नहीं सकता। क्यों नहीं सकता मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं जब ये था तो मैं नहीं था, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मैं इतना नया। अबे भाई मैं हूँ, मैं मान लिया मेरी माँ बड़ी है। सन का कोई आगे पीछे को समझ में नहीं आया। 74 कहिएगा 47 आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है पता नहीं उस वक्त क्या जंग। नहीं लोग कहते हैं ना 65 की जंग 68 की जंग, मैं तो कहती हूँ कि अभी जो जंगे हो रही है ना वो उनके सामने तो फीकी है। मैं हथियार जब हम लोग होते ना हथियार, वो कहते हैं भाई आप ही लड़ लो, आप हमसे अच्छा लड़ लो कि जंगे भी। और मैं तो यही बोलती हूँ कि आजकल की तो औरतों को ना जैसे बेचारे जिनकी तलवारों पे जंग लग गए ना उन्हें चाहिए औरतों की जमाने निकलवा के, और नहीं पे हम समय हमारी भी जमाने निकलवाओ उस पे अपनी अम्मी तलवार तैयारी करो तेज कर लो निकालो छुरी। हाँ अमन की तलवार को निकलवा
बाबा की दवाई का टाइम हो गया, इनको दवाई दे लो। काफी दवाई दी थी। मैं नहीं कर रही। चले जी, मेरी वीडियो थी यहीं तक, और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगी कि एक चैनल है, उन्होंने नया चैनल बनाया है अपना, शहजादी बलोक के नाम से, ठीक है? तो आप लाजमी से उनको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, उनके चैनल को लेके आगे जाएं। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी खातून है, बहुत अच्छे, मतलब उनके बहुत सिंपल फैमिली है, लेकिन बहुत अच्छी फैमिली है। तो प्लीज़ वो पंजाबी फैमिली है ये, तो आप लोग लाजमी से इनको सपोर्ट करें। तो मैं आपसे जैसे बोल रही हूँ, जिस तरह से मुझे कर रहे हैं और लोगों को कर रहे हैं, तो इन्हें भी सपोर्ट करें। इन्होंने नया नया चैनल बनाया है और मेरी तरह से ही हैं, किसी से कह नहीं पा रही हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आप इनको प्लीज़ बहुत प्यार दें और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है? चले जी, फिर मैं कर लेती हूँ आपसे इजाज़त और करते हैं अल्लाह हाफिज़। और दुआ में याद रखिएगा, मुझे लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। जो चैनल पे मेरे नए देखने वाले हैं, मुझे सब्सक्राइब लाजमी कर दूँ। इतना प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लेकर जाइए, वॉच टाइम बढ़ाइए, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है तो वॉच टाइम बढ़ाइए, ताकि ये कि जल्द से जल्द मैं भी उन अच्छे उन लोगों में, कामयाब लोगों में शरीक हो जाऊँ, कि माशाल्लाह जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी अता करी है और अच्छे से, तो ताकि हम भी जो हैं ज़रा खुश हो जाएँ। सही है, वैसे तो खुश हैं और मज़ीद खुश हो जाएँ। तो बस ये है कि आपकी वजह से सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, सब कुछ है और बढ़ते जा रहे हैं। बस आप हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट करवा दीजिए, प्लीज़, ठीक है? चलें, मिलती हूँ कल अच्छे दिन के साथ, प्यारे दिन के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, हाथ में है छालिया तो दो हाथ से करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।